नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि गुरुवार व्रत कब से शुरू करें, कब से शुरू ना करें, गुरुवार के व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, गुरुवार व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, गुरुवार का व्रत यदि हम रखते हैं तो पूजा हमें किस समय पर करनी चाहिए, अगर केले का पेड़ भी ना मिले तब हम पूजा कैसे करें, ये गुरुवार व्रत से संबंधित छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का निशान है, सब्सक्राइब का बटन, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इसके बाद आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी आप गुरुवार का व्रत रखते हैं, किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किसी व्रत को रखा जाता है तो उस व्रत को संकल्प के साथ रखा जाता है। आप कोई भी व्रत रखते हैं तो संकल्प के साथ रखिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अगर आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं ऐसे ही व्रत रख रहे हैं तब आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि हम संकल्प के साथ व्रत करते हैं तो संकल्प के साथ किया हुआ व्रत हमारा फलीभूत होता है और निश्चय हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्रत शुरू कब से करना चाहिए। बृहस्पतिवार का जो व्रत है वो पौष माह के महीनों को छोड़कर आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं। खर मास मल मास में भी व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। अगर खर मास लगा हुआ है, मल मास लगा हुआ है तब भी इस व्रत को शुरू नहीं किया जाता है। इसके अलावा आप कार्तिक मास में, माघ मास में या फिर बैसाख, चैत्र, इन सभी महीनों में आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप कितने व्रत करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बृहस्पतिवार का व्रत सभी सुख देने वाला व्रत बताया गया है। संतान प्राप्ति का, शीघ्र विवाह का, धन संपत्ति का, घर में सुख समृद्धि का, विद्या और बुद्धि का, सभी के लिए बृहस्पतिवार का व्रत सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस व्रत को जब भी आप करते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है 1, 3, 5, 7, 11, 16, 1 साल या 3 साल, जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी इच्छा है उतने व्रत आप रख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कितनी शक्ति है, आपका कितना सामर्थ्य है व्रत करने के लिए। और जब भी आप किसी व्रत को करते हैं तो उस भगवान के प्रति आपकी आस्था और पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपने किसी के कहने पर व्रत शुरू किया है तो ऐसा आप ना करें जब तक आपकी आस्था नहीं है, उस भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, तब आपका व्रत फलीभूत नहीं होगा। इसके अलावा आप यह व्रत 1, 5, 7 जैसा मैंने बताया आपको, उसके अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। अगर आपने 5 व्रत करने का संकल्प लिया है तब आप 6ठे व्रत को उद्यापन करेंगे। अगर आप 16 व्रत करने का संकल्प आपने लिया है तब आप 17वें गुरुवार को उद्यापन करेंगे। लेकिन आप पहले ही देख लें, उद्यापन आप जब भी करें तो कृष्ण पक्ष में आप ना करें। कृष्ण पक्ष में किया गया उद्यापन फलीभूत नहीं होता है। गुरुवार के व्रत के उद्यापन की विधि का वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गुरुवार का व्रत सभी सुखों को देने वाला है। जिसकी कुंडली में गुरु बृहस्पति देव मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, उनके शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं, उनको संतान प्राप्ति का योग भी जल्दी बन जाता है। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति देव कमजोर होते हैं उनके विवाह में भी दिक्कतें आती हैं, उनको संतान का सुख भी देरी से मिलता है। तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति देव की पूजा करें, गुरु बृहस्पति देव के मंत्रों का आप उच्चारण करें, केले के वृक्ष की आप पूजा करें, तुलसी माता के पौधे की आप पूजा करें। और जब भी आप किसी व्रत को करते हैं तो उस व्रत के नियमों का आप पालन अवश्य करें। किसी भी व्रत को करने से पहले उस व्रत के नियम का पालन आपको अवश्य करना चाहिए, तभी आपका वो व्रत है वो फलीभूत होता है। जैसे कि बृहस्पतिवार का व्रत आप कर रहे हैं तो 1 दिन पहले सूर्यास्त के समय ही व्रत के नियम हैं वो सभी व्रतों के नियम लागू हो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद आप तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन आप अवश्य करें। इसके अलावा अगले दिन जब बृहस्पतिवार का आप व्रत रखते हैं उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले ही उठना होता है। और किसी भी व्रत को करते हैं तो संकल्प लेना होता है, संकल्प आप अवश्य लें। जिस दिन का आपका व्रत हो, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप जब भी पूजा करने के लिए बैठते हैं, पूजा करने से पहले आप अपने हाथ में गंगाजल और फूल लेकर भगवान बृहस्पति के सामने आप संकल्प लें। आप अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र का नाम बोलिए जहाँ पर आप रहते हैं,
वो स्थान का नाम बोलिए, उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान के समक्ष रखिए। इसके बाद आप प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे गुरु बृहस्पति देव, मैं अपनी शादी के लिए या शीघ्र संतान प्राप्ति के लिए या किसी धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या किसी भी मनोकामना के लिए जो आपकी इच्छा हो वो आप बोलकर कि मैं आपके ये व्रत करने जा रही हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। और मुझे पूजा का कोई भी नियम नहीं पता है, मेरे व्रत को संपूर्ण करने में ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य आप मुझे प्रदान करें। मेरे व्रत में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे आप क्षमा करें। और जो आपने हाथ में जल और फूल लिया हुआ है वो आप जमीन पर छोड़कर आप गुरु बृहस्पति देव की पूजा करें। पूजा करने के लिए एक लकड़ी का पाटा या चौकी जो भी आपके घर में हो वो बिछा कर पीले रंग का आप कपड़ा बिछा लें। उसके बाद अगर आपके पास गुरु बृहस्पति देव की, विष्णु भगवान की कोई भी मूर्ति है या प्रतिमा है उसे आप स्थापित कर लें। कोशिश करें या तो आप हल्दी पर स्थापित कर लें या फिर चावल को पीला करके चावलों का आसन देकर आप मूर्ति या तस्वीर को आप स्थापित करें। सबसे पहले किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए उनको आसन दिया जाता है जो आपने दे दिया है। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराइए अगर आपने पंचामृत बनाकर रखा हुआ है। अगर पंचामृत नहीं है तो साफ जल में थोड़ा सा गंगा जल भर के आप उनको जल के छींटे देकर स्नान का भाव रखते हुए आप उन्हें स्नान कराएं। स्नान के बाद हल्दी का टीका आप लगाइए और जो भी आपने भोग लेके रखा हुआ है, चने की दाल, गुड़ और किशमिश, इन्हीं चीज़ों का भोग गुरु बृहस्पति देव की पूजा में लगाया जाता है। स्नान कराएं, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप विधिवत आरती करें। जो भी पूजा अर्चना हो उसमें त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा मांग लें। इसके बाद जो आपने जो कलश का जल लेके रखा हुआ है उसे आप चाहें तो किसी केले के पेड़ में डाल दें या फिर तुलसी के पौधे में डाल दें। अगर आपने केले का पेड़ लगा के नहीं रखा हुआ है तब आप यह पूजा तुलसी के पौधे में भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि केले के पेड़ में ही आप पूजा करें। अगर आपके आसपास में कोई केले का पेड़ हो, कहीं मंदिर में हो, तो यह पूजा आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, केले का पौधा भी नहीं है, तो आप छोटा सा पौधा अपने गमले में लगाकर भी, जो आपने संकल्प लिया हुआ है 11 व्रत करने का या 16 व्रत करने का, जब भी आपके व्रत पूर्ण हो जाए आप चाहें तो इस पौधे को अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो उद्यापन वाले दिन गमले सहित इस पौधे को किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं, तब भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जब भी आप यह व्रत करते हैं तो आप व्रत में क्या खाएंगे? वैसे तो इस व्रत में नमक खाने का निषेध बताया गया है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, पीला भोजन ही ग्रहण किया जाता है। आप चाहें तो आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर कोई भी मीठा भोजन बनाकर आप खा सकते हैं। मीठा चूरमा बनाकर खा सकते हैं, मीठी रोटी बनाकर खा सकते हैं, पूरी पराठा, जो भी आपको बनाना आता हो उस हिसाब से आप खा सकते हैं। लेकिन इस व्रत में तेल का प्रयोग नहीं करना है, आपको घी का ही प्रयोग करना है। आप चाहें तो बेसन का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं या फिर आटे के हलवे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जो भी फल ग्रहण करते हैं वो पीला होना चाहिए, जैसे कि पपीता। और जिस दिन आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उस दिन केला नहीं खाया जाता है। आप भूलकर भी उस दिन केला ना खाएं। केले की आप पूजा करें, गौ माता को आप केला अर्पित करें। इसके अलावा केले का पूजन करने के बाद आप चाहें तो किसी को दान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको केला नहीं खाना है। जब भी आप व्रत करते हैं तो शाम के समय एक समय पर अन्न का सेवन किया जाता है। इस तरह से आप व्रत रखें। गुरुवार के दिन अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह व्रत रख रहे हैं तो तुलसी माता के नीचे आप दीपक जरूर लगाइए। जब भी आप दीपक लगाते हैं तो थोड़े अक्षत रखकर आप दीपक प्रज्वलित करें। गुरु बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन तुलसी जी में थोड़ा सा कच्चा दूध आप अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती है। अगर आपने संकल्प के साथ यह व्रत किया है तब आप मासिक धर्म में भी इस व्रत को कंटिन्यू रखेंगे। आप पूजा नहीं करेंगे, आप मानसिक रूप से इस व्रत को रखेंगे। आपके घर में कोई है तो आप इस पूजा को किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको व्रत छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई संकल्प नहीं लिया है तब आप इस व्रत को बीच में छोड़ सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले रंग का भोग आपको भगवान को अर्पित करना है। पीले रंग का भोग ही आपको खाना है। पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। जितना आपसे बनता है पीले रंग का ही आपको प्रयोग करना है, ताकि आपका गुरु बृहस्पति देव मजबूत हो और बलवान हो। आप व्रत करते हैं तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा भी आपको अवश्य सुननी चाहिए। गुरुवार के दिन हल्दी का और केसर का टीका अपने माथे पर, अपने बच्चों के माथे पर आपको जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति देव मजबूत बनते हैं, बलवान बनते हैं। किसी भी व्रत को आप रखते हैं तो आप कोशिश करिए जिस दिन आपका व्रत रहे सूर्य उदय के लगभग 2 घंटे के अंदर आपको पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक वार का प्रत्येक ग्रह होता है और उस ग्रह का सूर्य उदय के साथ 2 घंटे के अंदर ही उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। आपकी पूजा उतनी ही ज़्यादा फलीभूत होती है। इसके अलावा आप जब भी व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का आप पालन करें।
करें। व्रत करने के बाद व्रत का पारण भी आपको सही समय पर करना चाहिए। आज तो आप नमक का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन जब आप नमक खाएंगे तभी आपका व्रत है वो पूर्ण होता है। जिस दिन आप नमक का सेवन करें तो उनके साथ आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें, कोई भी नमक का बना हुआ भोजन आप ग्रहण करें। इस तरह से आप अपने बृहस्पतिवार के व्रत को संपूर्ण करें। यही थी कुछ छोटी बड़ी मेरे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी। अगर इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। गुरु बृहस्पति देव का आशीर्वाद कृपा दृष्टि हम सब पर बना रहे। बोलिए गुरु बृहस्पति देव की, भगवान विष्णु की जय। ओम गुरु गुरुवे नमः।